नमस्कार दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा ने रात को ही जो ट्वीट करके बता दिया गया था कि सीबीएसई ने देश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित की है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की शेष परीक्षा करवाएगा। प्रदेश में पिछले 11 दिनों से बोर्ड सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए परीक्षा का सफल आयोजन करवा रहा है और शेष परीक्षा भी सभी एहतियात बरतते हुए करवाएगा। अब देखो, इन दिनों में जो आगे जो शेष पहले जो परीक्षा हुई है 12वीं की, वो सफल हुई है। उसमें किसी भी प्रकार की मतलब एकदम असफलता का मतलब उनको मुंह नहीं देखना पड़ा। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की जो परीक्षा है, आज 29 जून 2020 को सामाजिक विज्ञान का होने वाला है पेपर। लेकिन बोर्ड विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने पूरे तीन सदस्यीय मीटिंग जो ली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का रात को फैसला दे दिया गया कि ये परीक्षाएं 10वीं और जो 10वीं की जो शेष परीक्षा डाउटनेट पर होगा। अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का होगा सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, इसे सबमिट करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। परीक्षा है वो जारी रहेगी, इनको स्थगित या रद्द नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार याचिका हुई और 2 बार भी याचिका जो है खारिज गई। अब बात करते हैं 11 लाख परीक्षार्थियों की एक साथ परीक्षा कैसे होगी, मतलब परीक्षा कैसे होगी 11 लाख परीक्षार्थियों की। अब उसमें यदि आज कुछ असफलता, यदि आज कुछ संक्रमित हो जाते हैं या आज कुछ ऐसा स्थिति बन जाती है तो फिर क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एकदम इम्पोर्टेंट न्यूज़। आपको वीडियो एंड तक देखना और यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए SSC ने अपडेट वीडियोज़ देखने के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के द्वारा भी ट्वीट करके बता दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर, 11,86,000 विद्यार्थियों की होगी एक साथ परीक्षा। लॉकडाउन के बाद पहली बार होगी इतने परीक्षार्थियों की परीक्षा, पूरे देश में सिर्फ राजस्थान बोर्ड ही करवा पा रहा है इतनी बड़ी परीक्षा। लेकिन बहुत खतरा है परीक्षार्थियों के लिए, बहुत खतरा है क्योंकि इतने विद्यार्थियों की परीक्षा एक साथ कैसे संभव है। अब आज पेपर संभव होता है, सफल होता है तो क्या खबर आती है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये विद्यार्थियों, अब आप सभी सतर्क रहना, अपनी जो भी शेष पेपर है देना जरूर, लेकिन सतर्कता से, पूरी सतर्कता से बरतते हुए ये पेपर आपको देना है क्योंकि आदेश बोर्ड का है। अब यहाँ पर परीक्षार्थियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूँ। परीक्षा से पूर्व शिक्षिता कर्मियों द्वारा सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, इसलिए सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे तक अवश्य पहुँचे, ठीक है। परीक्षा 29 जून से 20 सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। सभी परीक्षार्थियों को नवीन प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है और सभी परीक्षार्थी मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और परीक्षार्थी यथासंभव अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखें। सभी परीक्षार्थी अपने साथ पानी की बोतल आवश्यक रूप से लाएं। और नोट, शेष परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र जारी किया गया है, नवीन प्रवेश पत्र अपने कक्षा अध्यापक से ही प्राप्त करें। तो धन्यवाद, आपको ये सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर ही आपको जो परीक्षा देने पहुंचना है, 7 बजे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। और आपको कोई भी अपडेट आता है और तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपके सामाजिक विज्ञान पेपर की जो आंसर शीट है वो हमारे चैनल पर पेपर होने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी।